विदिशा शहर के तिलक चौक से लेकर बस स्टैंड को जोड़ने वाले मार्ग जिसे बांस कुली कहा जाता है, यहाँ हर साल बारिश के दौरान जलभराव की स्थिति निर्मित होती है। इस बार बारिश के पूर्व यहाँ के दुकानदारों ने अपने दुकानों को जलभराव से बचाने के लिए दुकानों के सामने 3 से 4 फीट की स्थायी दीवार बनाई गई है, तो कई दुकानों में दीवार बनाने का काम किया जा रहा है। बीते साल भी यहाँ पर इस रोड पर तकरीबन 4 से 5 फीट पानी भर गया था, जो दुकानों के अंदर जाकर उनके सामान को खराब करने का कारण बना था। किसी भी दुकानदार को शासन की तरफ से मुआवजा भी नहीं मिला। इस पूरे मामले को लेकर SDM क्षितिज शर्मा का कहना है कि कलेक्टर ने बैठक करके विदिशा शहर के अंदर जलभराव की स्थिति ना बने इसको लेकर निर्देशन दिए थे। कई जगह से शिकायत मिलने के बाद नालों की भी साफ सफाई की जा रही ताकि बारिश के पानी को जल्द और आसानी से बाहर निकाला जा सके। नारायण दास गोयल, कहाँ पर दुकान है भैया? श्री राम ट्रेडर्स है, बांसकुली में। यहाँ पे देख रहे हैं कुछ दुकानों में 2-3 फीट की दीवारें उठाई गई हैं दुकानों से ऊपर, क्यों उठाई गई है, क्या कारण है? यहाँ सब हर साल बारिश के पहले दीवार उठाना पड़ती है 1 से 1.5 फीट की। हाँ। इतना पानी बार बार भराता है कि उसके बाद भी दुकान में पानी आ जाता है। अच्छा। पिछले साल हमारे बेसमेंट में 5 फीट पानी भरा गया था। हाँ। सीमेंट की दुकान में काफ़ी नुकसान हुआ, कोई मुआवजा बिल्कुल नहीं मिला। इस समय भी तहसीलदार वगैरह सब लोग आए थे और सब लिख के ले गए थे, लेकिन कोई मुआवजा नहीं। अब पिछले 20 साल से हम देख रहे हैं, हर साल बारिश में 3-4 फीट 5 फीट पानी या 4 फीट से ऊपर पानी बांसकुली में भराता है, यही समस्या है। और अभी तक कुछ भी हमने इसका कोई रास्ता नहीं देखा कि कोई सफाई हुई हो या कुछ हो रहा हो काम। नहीं, कोई व्यवस्था नहीं सर, नहीं कोई व्यवस्था नहीं। ब्रजमोहन गोयल, कहाँ पर शॉप है आपकी? ये बांसकुली विदिशा। अच्छा, यहाँ पे देख रहा है अलग अलग दुकान है, सड़क से 5-5 फीट ऊपर है, उसके बावजूद दीवारें उठा के रखी, क्या कारण है, क्यों रखी? दीवारें उठाकर इसलिए रखी है कि पानी इतना भराव हो जाता है कि दुकान में सामान भीग जाता है, 2-2 फीट दुकान के अंदर पानी आ जाता है। अच्छा। 5 फीट सड़क ऊँची होने के बाद, दुकानें ऊँची होने के बाद इतना पानी इधर भरा जाता है। पिछले 15 साल से यही कंडीशन है और कोई इधर सुधार नहीं हो रहा है। कोई नगर पालिका द्वारा नाले की साफ सफाई नहीं, नाले की साफ सफाई मेंटेनेंस तो होता है, लेकिन पानी का भराव इधर बहुत ज़्यादा है, उसका सही जो निकासीकरण होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा। अच्छा, लगभग कितनी दुकानों ने ऐसे ऊपर कर रखी? ये बांसकुली क्षेत्र, ये शिवाजी चौक से अपना गणेश मंदिर तक जितनी दुकान है सभी दुकानों में पानी भरा जाता है। सभी दुकानों में, सभी के लिए यही इंतजाम है? नहीं, वो इंतजाम पर्याप्त नहीं है, इसके बाद भी पानी आ जाता है। इसके बाद भी आ जाता है। मेरा नाम मयंक सोनी है, कहाँ पर दुकान है? मेरी दुकान बांसकुली में है। और देख रहे हैं कि आपकी दुकान नीचे और आपकी रिपीट कई बार सामने उठा रहे हैं दुकान, क्या करें सर? हर बार बरसात में यही एक मसला होता है कि दुकानों में पानी घुस जाता है, इसी के चलते काफ़ी दुकानदारों ने इस एरिया के अपनी दुकानों के सामने दीवारें बनवा ली हैं 3-3 फीट, ताकि उनकी दुकान में पानी ना घुस सके और सामान वगैरह ख़राब ना हो सके। इसलिए मैं इसी के चलते मैंने भी अपनी दुकान के सामने एक दीवार खड़ी कर दी है ताकि पानी अंदर न घुस सके। आप देख पा रहे हो कि पिछली बार भी कई पानी घुसा हुआ था यहाँ पर और काफ़ी कुछ नुकसान हो रखा है, पूरा फर्नीचर जो है ख़राब हो चुका है। अब यहाँ नालों की सफाइयाँ वगैरह होती नहीं है, पानी अक्सर रुक जाया करता है, पानी भराने का तो स्वाभाविक है यहाँ पर, इसी के चलते मैंने ये इसका निर्माण। अब होगी परेशानी अब, लेकिन अब अस्थायी रूप से करा है ये, अब बरसात के बाद इसको हटा देंगे और क्या करेंगे। 6-7 हज़ार रुपये खर्च हो गए। क्षेत्र में बारिश की वजह से काफ़ी बारिश की समस्या आती है लोगों को, जिसमें 3-4 फीट दीवार उठा रखी है, बारिश के समय क्या व्यवस्था की जा रही है पास के क्षेत्र के लिए? हाँ, स्थानीय स्तर पे वर्षा के दौरान पानी भरने की समस्या यहाँ पे बहुत जटिल समस्या है और पिछले वर्षों में भी ऐसी स्थिति हम लोगों ने सबने देखी है कि यहाँ पे जो नीचे के क्षेत्र हैं उनमें पानी भर जाता है। इस बार बाढ़ प्रबंधन को लेके कलेक्टर साहब के द्वारा एक बैठक ली गई थी, जिसमें समस्त जो संबंधित विभाग हैं उनके प्रतिनिधियों को इस बात को निर्देशित किया गया था कि जहाँ भी बाढ़ के संभावित क्षेत्र हैं और जिन कारणों से बाढ़ के आने की या जलभराव होने की समस्या पैदा होती है, उसको वर्षापूर्व जो है वो पूरी तरीके से समाप्त करने का प्रयास किया जाए। इसी क्रम में बहुत सारे नालों की और बहुत सारे लो लाइंग क्षेत्रों में जहाँ पानी भराव की समस्या होती है, वहाँ पर नगर पालिका द्वारा जो है सघन अभियान चलाया जाकर नालों की या नालियों की सफाई की जा रही है।
जैसा आपने बताया कि लोगों ने अपने अपने दुकानों के सामने जो है दीवार बना ली है, तो पूर्व के वर्षों में ये अनुभव रहा है कि पानी जो है वो काफ़ी ऊपर आ जाता है, जिससे कि उनके जान माल की हानि होने की संभावना रहती है। तो चूँकि प्रयास किया जा रहा है कि नालों में पानी का भराव ना हो, बेतवा में भी स्वच्छता अभियान के चलते और जल गंगा मिशन के चलते जलकुंभी हटाने की कार्रवाई की गई, इन सब चीज़ों का प्रयास का फल ये होगा कि पानी जो है वो शहर में भरना ना पाए, जिससे कि किसी को नुकसान ना हो। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।